शलोम अल मसी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं हमारी वीडियो देखकर मजे लेने के साथ साथ आप बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। तो सबसे पहले रिमाइंडर, यदि आप बिब्लिकल प्रॉब्लम्स और बिब्लिकल कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा एक नया चैनल लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है सोल्जर ऑफ गॉड वॉरियर्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और उसका हमने सब्सक्राइब इन 1000 रखा हुआ है। आप उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए ताकि अदर रिलीजन के साथ साथ आप अपनी बाइबल के बारे में ढंग से जान सकें। और दूसरा, यदि आप टुन्नी धर्म से रिलेटेड सारे रेफरेंसेस चाहते हैं जो भी हम अपनी वीडियोस में इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ उन बुक्स को भी आप लेना चाहते हैं जो हम अपनी वीडियोस में इस्तेमाल करते हैं, तो आप हमारे सोल्जर ऑफ गॉड अपोलोजेटिक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से रेफरेंसेस उठाइए और टुन्नी और मोमिनो की बैंड बजाइए। और साथ ही साथ यदि आप हमारी सेवकाई को भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपकी छोटी सी सहायता हमारी सेवकाई को मजबूत बनाने के लिए बहुत कारगर साबित होगी। तो आज लाए हैं हम आपके लिए हमारे प्यारे नंदू और समलैंगिक बच्चे के कारनामों की एक और नई वीडियो। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि जब नंदू अपने भगवान शिव से ये ताकत मांगने गया था कि उसे मानव और क्रिश्चियन भाई उसे डिबेट करने की शक्ति दे, तो शिव जी ने कहा था ले मेरे गोटे खा ले, और जिसके बाद नंदू को पड़ गए दौरे। तो इससे पहले उसके पागलपन की नई वीडियो मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले मैं आशीष भाई को सॉरी कहना चाहता हूं कि मैंने उस वीडियो में आपका नाम गलत ले लिया। मैंने अपने साथ के एक भाई से पूछा था कि आपका नाम क्या है और उसने जो नाम मुझे बताया वही नाम मैंने अपनी वीडियो में ले। खैर, मैंने आपको रिटेल में माफी मांगी थी पर मैं अब अपनी वीडियो में भी आपसे माफी मांग रहा हूँ। तो अब आते हैं अपने मुद्दे की ओर। तो जब पिछली वीडियो को मैंने बनाया था तो उसमें कुछ ईसाई टुन्नी आ गए थे और मुझे बहुत ही भला बुरा बोला उन लोगों ने, और उनका कहना था कि मैं किसी टुन्नी को इतनी बुरी तरीके से कैसे लताड़ सकता। तो मैं उन सभी से ये कहना चाहता हूँ, जब इस जैसा टुन्नी आपकी माँ बहन बेटियों को स्टॉक करना शुरू कर दे, उनकी तस्वीरों को निकाल के गलत मिसयूज करना शुरू कर दे और मना करने के बावजूद बार बार आपकी बहनों को कॉल करे, मिस कॉल करे, बार बार टेक्स्ट करे, तो आप क्या कहेंगे? हो सकता है आप में से बहुत से लोगों का खून ठंडा पड़ चुका हो, पर भाई मेरा खून तो अभी पड़ा नहीं। ये तो शुक्र बनाओ कि ये मेरे सामने नहीं पड़ता, वरना इसकी कहानी कुछ और होती। खैर, आज बात करेंगे सबूतों के साथ। तो अपनी बात को साबित करने के लिए आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो देखकर आपको आएगा मजा बहुत ज्यादा। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम वीडियो के अंत में फिर से मिलते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। हेलो हेलो दीदी, नमस्ते। कौन? बस आपका भाई दीदी। देखो यार, आप जय भीम वाले हो ना दीदी? आप जय भीम वाले हो ना दीदी? जय भीम वाले? आप पागल हो क्या? अरे पता नहीं दीदी, मैं नंदू बोल रहा हूँ दीदी। लिसन, अगर बेकार की बात करनी है, I'm not interested in talking, okay? ओके दीदी, मैं वही बोला कि दीदी जब वो सबसे पहली बार जब था, जब मानव ने मेरी वीडियो बनाई थी तो आप बोले थे कि मैं साइंस एनियम बोल रहा था कि मैं बौद्ध हूँ करके, मैं उसी को क्लियर करने आया दीदी। यार देखो, बेकार की इधर उधर की बात मत करो। मैं तुम्हें बहुत स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे को तुमसे बात नहीं करनी है, बहुत स्टार्टिंग में आपको मैंने ये बोला है, ठीक है? एंड जब मैंने आपको ये बार बार बोला है कि मेरे को बात नहीं करना है, तो यू शुड टेक दैट स्टेटमेंट, राइट? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दीदी, यू साइंस जर्नी? साइंस जर्नी? आई एम नॉट साइंस जर्नी। लिसन, आई गो साइंस जर्नी। You बुद्ध, you से बस हवा निकल गई। आपने बोला कि मैं बौद्ध हूँ करके, ऐसा कहा था आपने कमेंट। Can you show me कहाँ पे मैंने कहा है? Can you show me? Can you give me a proof of that? ओहो दीदी, वो वीडियो बनाया था ना उसने? नहीं, मैं समझ गई, आपके पास कहीं पे वो लिखित प्रमाणित पत्र है कि कहीं पे मैंने ये लिखा है कि मैं बुद्धा हूँ? नहीं, मैं बुद्ध हूँ करके, मैं नरेंद्र बुद्ध करके ये बोला मैं। साइंस जर्नी में जाता है और अपने को बुद्ध बोलता है ऐसे करके, कभी 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 क्रिश्चियन बन जाता है, कभी होल्ड योर हॉर्सेस। तो इलेक्ट्रिक बिजली तो अभी है नहीं यहाँ पे, होल्डर बोले ना, होल्डर।
बिजली का होल्डर। चुप चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। Do you have patience also of listening to people? You Buddha, save me Buddha and Christian and Buddha. मैं आपको भेजता हूँ, अभी दिखाता हूँ, आप बोलिए, आप बोलिए। यार देखो यार, देखो मेरे को तुझसे बात नहीं करनी है, ठीक है? आई एम बिजी राइट नाउ, मेरा भी क्लासेस चल रहा है, ओके? मैं आपको सेंड कर देता हूँ जहाँ पे आपने कहा था कि कभी तू क्रिश्चियन बन जाता है, कभी तू बुद्ध बन जाता है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? आई नीड अ रिटन प्रूफ ऑफ इट, आई नीड अ रिटन प्रूफ कि कहीं पे मैंने ये कमेंट किया है, एंड इट्स माय वॉइस। डोंट प्ले गेम्स विथ मी राइट नाउ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं सेंड कर देता हूँ आपको, मैं सेंड कर देता हूँ आपको। व्हाटएवर डू, आई डोंट केयर, यू शुड नॉट टेक्स्ट मी, दैट्स योर अल्टीमेटम। नहीं, टैक्सी में नहीं जाता मैं पैदल ही जाता हूँ। अब कुछ ग्रेजुएट होके भी चौथी फेल कैसे हो सकता है, ये क्या लॉजिक? यू नॉट टेक्स्ट मी, यू हैव टेक्स्टेड मी अ लॉट ऑफ टाइम्स। नहीं नहीं, बार बार मना किया है टैक्सी में, टैक्सी में। मैंने आपको बार बार मना किया है कि मेरे को टेक्स्ट मत करो। कितना बार मैंने तो आपको मना किया है? अच्छा, कितना बार बोला है मैंने आपको? नहीं, वो एक बार बोल लेते ना, बोला है कि मेरे को टेक्स्ट मत करो, अदरवाइज आई विल मेक श्योर कि आप डायरेक्टली अब मेरे पापा से बात करोगे। हाँ, कोई हाँ, कोई बात नहीं, अंकल को नमस्ते okay. कहना, मेरा अंकल को नमस्ते आप, कहना। आप क्यों मेरे को टेक्स्ट कर रहे हो? चलो ठीक है, मैं आपको एक फोटो भेज देता हूँ, मैं आपको फोटो भेज देता हूँ जहाँ पे आपने कहा था, तो उसके बाद मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा क्योंकि आपकी ये फिर भाग गई। नंदू यार, इंग्लिश तो हमारी भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, पर इतना भी बुरा हाल नहीं कि चार लाइन समझ में ना, कम से कम दो लाइन अंग्रेजी के तो बोल के दिखा देता, ऐसा ही होता है। वीडियो देखने के बाद हर हर गोटे वाले ईश्वर के पास जाकर नवल किशोर प्रेस लखनऊ वाली सटीक मत्स्य पुराण अध्याय 155 वाली घटना घट जाती है, और शिवजी अपने लिंग पर वज्र बांध के नंदू की क्या करते, गुल्लक फोड़ देते। अरे यार नंदू, तेरी इतनी बेइज्जती हो गई है तो ये भूल गया कि किसने तुझको क्या कहा। मेरे लल्ला, अंकिता सिस्टर ने बोला था कि तू गालिब कमाल के चैनल पर जाके गालिब कमाल को ये कह रहा था कि ईसाइयों को एक्सपोज कर, तो जब गालिब कमाल ने तुझे लिंक दिया कि आकर मुझसे बात कर, तो तू अपने सारे के सारे कमेंट डिलीट करके भाग गया। और जो तू मैं बुद्ध हूँ, मैं नास्तिक हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ वाली बात कर रहा था, वो मेरी इस वीडियो के अंदर सारे चैट कमेंट सबूत के साथ मैंने चढ़ाए थे, एक बार जाके फिर से देख ले। और साथ ही साथ मैं अपने सभी विश्वासी बहनों और भाइयों को ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं इस बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्पेशली नंदू के नाम से एक प्लेलिस्ट का लिंक पेस्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर सारी स्पेशल वीडियोस नंदू की है, जिसे देख के आपको ये पता चल जाएगा कि ये बंदा दो कौड़ी का है। तो प्यारे नंदू, मम्मी के मीठे बेटे, शिवजी के गोटों के स्वाद के साथ गुल्लक फूटना कैसा लगा? यार मीठे नंदू, यार एक बार बता, तू हमने हमें बहुत दिनों से जवाब नहीं दे रहा ठीक से, ये शिवजी का गोटे खिलाना, गुल्लक फोड़ देना, ये कौन सी लीला है, इसके पीछे का मकसद क्या है, इसका जवाब देगा भाई मेरे? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। खैर, हमें तो पूरी उम्मीद है तुझसे, कोई जवाब की उम्मीद तो हमको है ही नहीं। तो जिन बहनों और भाइयों को ये लगता है कि नंदू की बड़ी ज्यादा बेइज्जती कर दी हम लोगों, उन्हें मैं ये बताना चाहता हूँ, ये बंदा बालों में चिपकी च्युइंगम की तरह है। यहाँ पे नंदू द्वारा अपने धर्म को बचाने की कोई बात नहीं होगी, धर्म तो केवल एक बहाना। असल में नंदू की जो बेइज्जती हारने के बाद और उसके बाद स्कॉन वालों ने करी और उसके बाद हमारी टीम वालों ने करी, उसका बदला लेने की ये कोशिश कर रहा, उसकी चिड़ निकालने के लिए। ये जो भी कोई हल्का फुल्का कोई ईसाई इसको टक्कर जाता है, ये उसके ऊपर तो चौधरी हो जाता है, वरना जो हमारे से तो इसकी हवा निकलती है। तो आज की वीडियो फिलहाल की आखिरी वीडियो है, क्योंकि हम इस पे इतना ध्यान देते नहीं है। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं नंदू को एक मैसेज और देना चाहता हूँ। नंदू बेटा, तू अंकिता सिस्टर के पापा से क्या बोले कि अंकल जी अंकल जी, जब भी कोई टुन्नी क्रिश्चियंस के ऊपर गंदी वीडियो बनाता है, बाइबल को गलत साबित करने की कोशिश करता है, जीसस को गलत बोलता है, तो वहाँ कमेंट बॉक्स में जाकर हम हर हर गोटे जय खीर राम लिखकर बड़ा आनंद लेते, और आपकी बेटी हमारे धर्म ग्रंथों की गंदगी में जूता भिगोकर हमारे मुंह पे मारती है, जिससे कि हमें जवाब देना भारी पड़ जाता है, और उसको चुप कराने के लिए हम उसको करते हैं स्टॉक। तो इसके बाद के अंकल तेरी बात सुनेंगे, और अगर अंकल ने ही पूछ लिया रति देही माता घोरने का मतलब क्या होता है बाबू, तो फिर तू क्या करेगा?
क्योंकि जिसे तू गंदी गंदी बात कहता है कि ये योनि की लिंग की बातें करते हैं, वो असल में तेरे ही धर्म ग्रंथों के अंदर लिखी हुई, यानी कि तेरा धर्म गंदा है। जिसे तू सुन नहीं सकता वो तेरी किताबों में लिखी है, और इसी गंदगी में से तो लोगों को निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं, समझा लल्ला? ये भगवान क्या जुलुम है। तो अंत में मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ, यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।